प्रयागराज में महाकुंभ मेला जनवरी 2025 में आयोजित होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां तेज है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, लेकिन ऐसे में एक चौंकाने वाला मामला करेली बैरियर से सामने आया है। जी हां, यहां पर तैयारियां चल रही हैं और कार्यों के बीच बिजली के पोल पर चढ़ा एक शख्स बिजली के तार में उल्टा लटक गया। आखिर ये हादसा हुआ कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अफरा तफरी मची है, मौके पर लोगों की भीड़ जमा है। एक शख्स बिजली के खंभे पर उल्टा लटका है। सीढ़ी लगाकर एक शख्स ऊपर मदद के लिए जा रहा है। बिजली के खंभे पर फंसे शख्स की जान बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। दो लोग ऊपर चढ़कर तारों में फंसे शख्स को सुरक्षित बचाने में लगे हैं। डराने वाली तस्वीरें यूपी के प्रयागराज से सामने आई है, जहां महाकुंभ आयोजित होने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। लेकिन ऐसे में एक घटना शहर के करेली बैरियर इलाके से सामने आई, जहां पर बिजली के पोल पर चढ़ा कर्मी पैर फिसलने की वजह से तारों में उल्टा लटक गया। पूरे शहर में बिजली के तार और केबल बदलने का काम चल रहा है। इस दौरान करेली बैरियर के पास एक बिजली कर्मी सीढ़ी की मदद से तारों को बांध रहा था। इस दौरान उसका पैर फिसला और वो तारों में उलझकर उल्टा लटक गया। खौफनाक हादसे के बाद उल्टा लटका शख्स मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगा तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। नीचे ट्रैफिक चल रहा था, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद साथी बिजली कर्मी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और दो अन्य बिजली कर्मी जल्दी से सीढ़ी लगाकर ऊपर कर्मचारी की मदद के लिए पहुंचे, रस्सी से उसे लपेट दिया। इसके बाद उसे सहारा देकर नीचे उतारा गया। इस दौरान नीचे खड़े लोग वीडियो बनाते रहे। गनीमत ये रही कि शख्स को समय रहते मदद मिल गई और उसकी जान बचा ली गई, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था।